हेलो व्यूवर्स, उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों से शेयर करने वाली हूँ चिकन कोरमा की यमी रेसिपी, जो हम पुलाव के साथ खाने वाले। इसे खाओगे तो आप बिरयानी को भूल ही जाना। आप लोगों को ये ज़रूर ट्राई करिएगा। चलिए यहाँ पर रेसिपी बनाना शुरू करते हैं। यहाँ मैंने मीडियम साइज़ की चार कम से कम प्याज कट कर ली है बारीक बारीक, और यहाँ मैंने गरम ऑयल में उसे डाल दिया। अब गोल्डन ब्राउन होने तक इसको वेट करना है, और गोल्डन ब्राउन होने के बाद इसे मैं बाहर निकाल दूँगी, देखिए इस तरीके से। और यहाँ पर मैंने कुछ खड़े गरम मसाले डाले हैं, छोटी इलायची, लौंग और बड़ी इलायची, और ये तेज़पत्ता। अब इसमें मैं चिकन के पीसेस डाल दूंगी और इनको अच्छे से फ्राई कर लेना है। चिकन हमारा यहाँ पे एकदम फ्राई हो गया है, और अब उस फ्राई होने के बाद जब पैन में से चिकन निकाल लेंगे तो यहाँ पे मैंने प्याज की प्योरी ऐड कर देनी है, जो मैंने पहले से ही प्याज का पेस्ट बना लिया था। और अब यहाँ पे प्योरी के बाद लहसुन अदरक का पेस्ट भी मिला दूँगी मैं इसमें साथ साथ। यहाँ मैंने कम से कम 2 चम्मच लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, और अच्छे से मिक्स कर लेना है। अब यहाँ पे हम मसाले ऐड करेंगे। यहाँ मैंने 2 चम्मची धनिया पाउडर, 1 चम्मची लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मची काली मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मची हल्दी पाउडर और 1 चम्मची गरम मसाला पाउडर, और ये कश्मीरी लाल मिर्च इसमें मैंने ऐड कर दी। कश्मीरी लाल मिर्च रंग के लिए मैंने यहाँ पे ऐड किया, जिसका कलर बहुत अच्छा आता है। अब इन सभी मसालों को अच्छे से मिक्स कर लेना है, इनकी भुनाई करनी है। 4 से 5 मिनट भुनाई करने के बाद यहाँ मैं टमाटर की प्यूरी ऐड कर रही हूँ, इसे डाल के भी अच्छे से हमको भुनाई कर लेनी है सभी मसालों की। चार से पाँच मिनट टमाटर के साथ भुनाई करने के बाद यहाँ मैंने दही ऐड कर दिया है, और अब दही के साथ हमें अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है और 2-4 मिनट तक भुनाई करनी है। चार से पाँच मिनट की भुनाई के बाद अब यहाँ पे मैंने चिकन जो फ्राई किया था उसको ऐड कर रही हूँ। इन सबको अब हमें मीडियम फ्लेम पे 4 से 5 मिनट और पकाना है कवर करके। यहाँ हमारा चिकन कोरमा ऑलमोस्ट रेडी हो गया। स्टार्टिंग में जब मैंने प्याज ब्राउन किया था, अब उसको यहाँ पे मैंने क्रश करके डाल दिया, ऊपर से कवर करके 4 से 2 मिनट और पकाने देना है मीडियम फ्लेम पे। और ये देखिए हमारा चिकन कोरमा रेडी हो गया। यम्मी, इतना स्वादिष्ट खाने में ये है, और जितना ये दिख रहा है उससे डबल ये टेस्टी है, और पुलाव के साथ तो इसका टेस्ट और भी बढ़ जाता है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।